Hello students, welcome in HVGK hub. Special mock test series for HPSSC staff nurse exam. Students, the choice you make today will determine what you will be tomorrow. So, let's begin. And for any query, class codes, under our professionals, you can WhatsApp on the following WhatsApp number. 8277 two three seven five So, let's begin. First question of today is, maternal mortality is expressed in terms of मेटर्नल मॉर्टेलिटी को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है मेटर्नल मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ ऑफ अ वोमन प्रेगनेंट और विद इन फोर्टी टू डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑफ पर टेन थाउजेंड पर लैक पर टेन लैक सो यू कैन टेक योर आंसर एंड एट द लास्ट ऑफ वीडियो चेक यूर प्रिपेशन राइट आंसर नंबर सी मेटर्नल मॉर्टेलिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पर लैक क्स्ट इज पर्टूटिस इज अटूटिस क्या है बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज प्रोटोजोल डिजीज फंगल डिजीज यस वेर इज ई क्वेश्चन पर्टूटिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर इट्स आल्सो नोन एज बुपिंग कफ एंड काउस वाइफ बैक्टीरिया बॉडी टेला पर्टूटिस एक तरह से अनकंट्रोलेबल कफिंग रहता है विच ऑफन मेक्स हार्ड टू ब्रीथ नेक्स्ट द साइज ऑफ इंट्राबीनस कैनुला यूज फॉर न्यूनेट न्यूनेट के लिए इंट्राबीनस कैनुला का साइज क्या रहता है 20, 28, 22 और 24। फोर इंट्रावेनस कैनोला कैनुला इज अ टेक्निक इन इज अ थिन ट्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड साइड वेन टू प्रोवाइड बेन एक्सेस हम जनरल बोले तो इस कैनुला इंटरविनेस कैनुला में क्या रहता है एक थिन ट्यूब इंसर्ट कर दी जाती है वेन में टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन और ड्रेन ऑफ फ्ल्यूट या फिर टू इंसर्ट अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सो व्हाट इज द साइज फॉर न्यूनिट इट्स ट्वेंटी फोर नेक्स्ट इज लेट्स सी दिस इज द कलर कोड और गॉड साइज

यस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल ट्रांसमिशन जब कोई भी इंफेक्शन या डिजीज मदर से बच्चे में ट्रांसमिट होती है थ्रो आइदर थ्रो प्लेसेंटा और थ्रो बर्थ प्रोसेस और बाय ब्रेस्ट मिल्क दिस दैट इज टर्म्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इज प्राइमरी बेस के ऊपर किसी भी डिजीज की प्रिवेंशन करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रॉपर ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोसिस

So here, right answer is option number D, Down syndrome. Down syndrome is a chromosomal disorder due to chromosomal abnormality of chromosome number 21, also known as trisomy 21. So it's not an endocrinal disorder in children. Next is in the following, which is not a group approach of health communication. In my si health communication ki group approach hai? home visits, demonstration, lectures, symposium. Yes.

ट्यूब ऐड करने के लिए नेक रीजन में ओपनिंग की जाती है दैट इज ट्रैक्योस्टोमी सो so, की कौन सी पोजिशन के ऊपर की जाती है रीज़न बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकल रिंग आइदर ऑन सेकेंड और थर्ड ट्रैकल रिंग सो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है ट्रैक्योस्टोमी क्यों परफॉर्म करनी पड़ती है अगर बाई चांस अपर एयरवे और लोअर एयरवे के बीच में कनेक्शन जो है वो को जाता है या कुछ बीच में ऑब्सट्रक्शन आ जाती है तो उस केस में ट्राकिस्टोमी की जाती है प्रॉपर एयर प्रोवाइड करने के लिए नेक्स्ट से वो मॉडिफाइड रेडियल रिगार्डिंग ट्रू नहीं है रेडियल मैस्टिकोटॉमी रेडियल मैस्टिकोटॉमी मीन इसमें क्या रहता है ओनली आर रिमूव्ड only nipples are removed only lymph nodes are removed breast tissue nipples lymph nodes are removed so a right answer is modified uh, during uh, modified radial mastectomy. there is removal of breast tissue nipples as well as lymph nodes the option is the right answer next question is Harvarden nodes are characteristics of herwerden nodes kiski characteristics hain? osteoarthritis rheumatoid arthritis

ज्वाइंट के ज्वाइंट और कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है डिजेंडेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज दैट कवर्सोन एंड्स एडजस्टिंग टू ईच अदर तो अल्टीमेटली क्या रीजन रहता है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है उसकी डिजेंडेशन हो जाती है और केवल डायरेक्ट बोन और बोन का कॉन्टेक्ट हो जाता है तो दैट इज ऑस्ट्रोआर्थ्राइटिस एंड हारवर्डन नोटरिस्टिक्स ऑफ ऑस्ट्रोआर्थ्राइटिस

ट्रेकोमा एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है जो आइस को इफेक्ट करता है एंड दैट बैक्टीरिया काउजल बैक्टीरिया इज क्लेमाइडिया ट्रेकोमाटिस क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस बैक्टीरिया काउस ट्रेकोमा इन कंजक्टिवा एंड कॉर्निया नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन टी स्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर वन टी स्पून वन एम एल थ्री एम एल फाइव एम एल टू पॉइंट फाइव एम एल Yeah, the right answer is option number C 5 ml. 1 teaspoon is equal to 5 ml. So that's all about today. Thank you. Have a nice day.